जैसे ही पता चला है हमारी वन विभाग की टीम वहाँ पे वनों के क्षेत्र अधिकारी वहाँ पहुँचे हैं, जो भी हुआ है उसकी छानबीन चल रही है, उस पर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे और जो भी उसमें इस चीज़ों के लिए जो लोगों ने भी ज्ञानता अज्ञानतावश जो भी किया हो उसके लिए मतलब मेरी पुनः आग्रह है कि अगर कोई भी वन्य प्राणी किसी को भी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में मिल रहा है तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट करें और उसकी जानकारी हमें दें, हम इससे रेस्क्यू करेंगे और जो जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है उसके आगे। मैम क्या चीज़ मिली आपको जानकारी, क्या सूचना अभी मिली है? जैसा कि पूरी की सूचना अभी मैं खुद भी जा रही हूँ और रिकवरी करके उसको आया जा रहा है, तो जो भी सूचना मिली है कि एक घड़ियाल जो है मगरमच्छ पर मगरमच्छ को मार दिया गया है, अभी उसकी पूरी छानबीन करेंगे कि क्या एग्जैक्ट रीज़न है, वजह पता नहीं चला। हाँ वजह का भी डिटेल चूँकि हम लोग रिपोर्ट मांग रहे हैं, अभी सभी लोगों से भी बात करके वहाँ पे सिचुएशन जो भी हुई है उसका एग्जैक्ट लेके हम भी डिस्कस कर लेंगे और उसके लिए हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो हम लोग लॉ का जो उल्लंघन हुआ है उसके लिए हम लोग उसको ऑफेंस कर। किस नेचर में मैम आता है ये घड़ियाल? ये घड़ियाल ये रेप्टिलियंस हैं और ये शेड्यूल एनिमल हैं, इस पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई होती है और ये हमारा स्पीसीज इम्पॉर्टेंट है और हमें इसकी अगर किसी को भी कहीं भी इस तरह की कोई जानकारी मिलती है, अगर निकल रहा है या किसी पर अटैक भी हो रहा है तो तुरंत से तुरंत वन विभाग को। मैडम इसको कैसे देख रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति को घड़ियाल पकड़ ले अगर वो डूब जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है उसके बदले में नदी से निकाल कर उसको? वो जानवर हैं और मतलब उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी होती है, इसके लिए हम उन्हें भी दोषी नहीं कह सकते हैं और क्षति हुई है उनके लिए भी हम बहुत दुखी हैं कि अगर उनको किसी को कोई क्षति कर रहे तो, लेकिन वन प्राणी को भी उस केस में अगर मार देने से कोई जीव वापस नहीं आ जाता है, आप भी उनकी व्यथा समझेंगे और चूँकि उनका नेचर ही वाइल्ड होता है तो उसके लिए हम लोग का ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि अगर सांप काट दे तो सांप को मार देना चाहिए, उसके लिए यही है कि जल्द से जल्द उसमें जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन होता है ताकि दूसरे को उससे कोई क्षति ना पहुंचे। क्या सजा होगा मैडम इससे ऐसे मामले में? उसके लिए अभी हम लोग कार्रवाई करेंगे जो भी होगा। हाँ बेस्ड ऑन लॉ हम लोग जरूर करेंगे।